उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा चुनावों को लेकर किया गया सर्वे सामने आया है। इसमें अगर आज चुनाव हो जाएंगे तो किस पार्टी और गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान व्यक्त किया गया है। सर्वे में महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन सकती है, इसे बताया गया है। 2019 के चुनावों में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी और शिवसेना ने 23 और 18 सीटें जीती थी। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और एक आईआईएमए ने एक एक सीट जीती थी। कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 1 सीट का नुकसान हुआ था। 2024 के चुनावों में महाराष्ट्र में एनडीए और एमवीए के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है। सर्वे में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति महागठबंधन बीजेपी शिवसेना एनसीपी अजीत पवार गुट को 27 से 31 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी एमवीए कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को 16 से 20 सीटें हासिल करते हुए दिखाया गया है। सर्वे में अन्य को 1 से 2 सीटें जीतने की संभावना व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के अनुमान के बाद एनडीए और एमवीए को कितने फीसदी वोट मिलेंगे, इसका भी सर्वे में अनुमान किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को लोकसभा चुनावों में 47 फीसदी वोट मिल सकते हैं, जबकि एमवीए को 41 फीसदी वोट मिल सकते हैं। सर्वे में 11 फीसदी वोट अन्य को मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगर पिछले लोकसभा चुनावों से तुलना करें तो तब बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनडीए को कुल वोट शेयर तब 50% से अधिक रहा था। ऐसे में बीजेपी को कुछ वोट प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने राज्य की 26 सीटों पर लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में पिछली बार की तुलना में कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।